बल्लभगढ़ सिद्धि रॉयल मोटर्स कंपनी के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। वहीं आग में फंसे दो लोगों को जाबाज पुलिसकर्मी ने सूझबूझ से बचाया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिखाई दे रहा है ये नजारा बल्लभगढ़ सिद्धि रॉयल मोटर्स कंपनी का है, जहां पर नीचे बेसमेंट में मैकेनिक काम करते हैं। वहीं अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसके बाद पुलिस का एक जवान वहां पर अपनी गाड़ी ठीक करा रहा था, तभी उसने आग लगते हुए देखा और तुरंत आग में फंसे दो लोगों को बाहर निकाल लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें उपचार तो दे दिया है। फिलहाल इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। इसमें कोई रॉयल मोटर्स है, जीटी रोड पे ही कंपनी सर्विस सेंटर है हुंडई का, उसकी बेसमेंट में कोई वर्कशॉप है, उसमें शॉर्ट सर्किट से कोई आग लग गई। आज हमारे एक हेड कांस्टेबल अपनी गाड़ी को थोड़ा रिपेयर कराने के लिए वहाँ अकस्मात गया हुआ था, तो उसने तुरंत मेरे को बताया। मैंने फायर ब्रिगेड बुलवा ली और फायर ब्रिगेड बुलवा के तुरंत आग बुझा दी और कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। जब हमारा हेड मैं पूछा तो मेरे हेड कांस्टेबल ने बताया कि मेरी ही गाड़ी में दो आदमियों में धुआं से थोड़ा सा जी घबरा गया था, दम घुट गया था, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया। हॉस्पिटल से पता कर लिया, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो समय रहते उसने वहाँ से नीचे से दो या तीन आदमी थे उनको निकाल के अपनी ही गाड़ी में हॉस्पिटल भिजवा के और बहुत अच्छा काम किया है और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग को पूर्ण रूप से बुझा दी गई थी, सब कुछ ठीक है। वहीं पूरे घटनाक्रम में पुलिस के जवान का हौसला देखने लायक था। वी न्यूज़ के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।